ये स्कूल में जो मौत हो गई थी भारत सेवा करा हमने, तो वो कल सब्जी बनी थी, कल रविवार था, तो वो सब्जी लाकर स्कूल में बच्चे उनको सबको खिलाया इनने, तो 70 बच्चे हैं, 70-80 बच्चे पहली से 8वीं तक के बच्चे उनको खिलाए। तो हम मैं थाली लाई, 5 थाली भी है यहाँ साथ में, तो वो फिर थाने भी ले गए, थाने से मऊ की मानपुर की तहसील में भी ले गए, वहाँ से फिर ये बच्चे उनको यहाँ भर्ती करा। ये कहाँ पर पड़ता है? बिचोली ये जानापा कुटी के पास में, बिचोली वहाँ से लाए, 4 बच्चे लाए और बच्चे वही है। बाकी अच्छा ये सब बीमार हो गए। हाँ। तो किसके यहाँ पर बार हुआ होता है? सुभाष के, सुभाष शांत हो गए, उसके वहाँ से सब्जी ला को इनको खिलाया। पर रहते थे तो शांत बिचोली यमुना मंदिर के पास में है, बिचोली में रहते। हाँ, बिचोली। आपका नाम? चुन्नी भाई। ऐसे क्या हुआ आपके साथ? अच्छा, रोटी सब्जी कल की आई थी और किसने दी थी आपको? टीचर वगैरह ने? नाम क्या बेटा आपका? एक मिनट, सुभाष कर को शांत हो गया कल रविवार को। चलो उठा दो, एक साइड एक साइड रुकना, अभी मत उठाना। रोटी ये रोटी वही है, हाँ ये सब्जी है, नहीं ये रोटी देते हैं यही बना, अच्छी सब्जी है। और ये मैडम वगैरह का नाम बताओ ना। उसका नाम मेरे को भी नहीं आता सर, मैंने 4 बार झगड़ा करा है स्कूल में जा जा कर। बच्चे यहाँ एडमिट हुए उसके बाद ही खबर आई कि 4 बच्चे यहाँ एडमिट हुए फूड पॉइजनिंग से, मध्यान्ह भोजन की। अभी तो ये हमने आके देखा बच्चों के हालत अभी तो ठीक है, उनको एक एक ट्रीटमेंट डॉक्टर ने लगाई और डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी ठीक स्थिति 4 बच्चों की। सर, जब स्कूल के अंदर मध्यान्ह भोजन बनता है तो क्या बाहर से स्कूल के अंदर मध्यान्ह भोजन आ सकता है? बाहर से दूसरा खाना आ सकता है? परिसर में बनता है। और उसके अलावा ये कि आज की स्थिति में हमें जो जानकारी मिली उसके हिसाब से तो 70-80 बच्चों ने खाना खाया है, अब उसमें से 4 बच्चे कैसे हुए तो जांच का विषय है। लेकिन सर, वहीं के गांव वालों का कहना पड़ रहा है कि जो भोजन है कल किसी के 12वां या 13वां हुआ था उसी का खाना वहां पर ला करके खिला दिया। तो जांच का विषय, जब तक हम जांच पूरी नहीं कर लेंगे तब तक ये स्थिति सामने नहीं आएगी। नाम बता दें। क्योंकि जब तक जाँच पूरी ना हो कोई दोषी या कोई निर्दोषी का कहना मुश्किल पड़ता है। तो समूह को वैसे हमने कह दिया कि अभी आप हम हमारे लोग जांच करने आएंगे थोड़ा, तो उसको आप जो है जांच के समय में पूरा पूरा कोऑपरेट करें और पूरी जांच के विषय में बात कर लें। ठीक। और शिक्षक जो भी रहा होगा उनसे भी पूछताछ होगी, तो ये भी जांच का विषय है। लेकिन ये है कि बच्चों की अलग स्थिति है, ठीक है। लेके आए थे गाड़ी में एक रंजिता नरसिंह, सीता मांगीलाल, रवि बाबूलाल और सपना राम सिंह। ये चारों बच्चों को उल्टी और पेट दर्द और बदहजमी की शिकायत थी। बोले दोपहर का खाना खाने के बाद स्कूल में मध्याह्न भोजन के बाद में ही इनकी तबीयत खराब हो गई और उसके बाद में उनको यहाँ अस्पताल लाया गया। सब बता रहे हैं कि किसी के मृत्यु भोज का दूसरे दिन का खाना इनको खिलाया गया, पिछले दिन का, एक दिन पहले का खाना। और उसके बाद उनको ये उल्टी वगैरह हो रही थी तो अस्पताल लेके आए, तो अस्पताल में उनको भर्ती किया गया और ट्रीटमेंट किया गया। फिलहाल ठीक है, अच्छी ठीक है, बच्चे अच्छे हैं।